रीमेक रिमिक्स और बायोग्राफीज के साथ साथ सलमान भाई की नकली घिनौनी VFX वाली बॉडी को देखकर बॉलीवुड से सारे लोग परेशान हैं। और उसी दौर में नागराज मंजुले के साथ अमिताभ बच्चन लेके आए एक और बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी कि बॉलीवुड, बॉलीवुड यानी कि बायोग्राफी और रीमेक इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिल्म का नाम है झुंड यानी कि टीम, 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 मतलब एक फुटबॉल टीम। फिल्म की स्टोरी जो है वो इंस्पिरेशनल है क्योंकि ये एक नागपुर में बेस्ड टीचर की बायोग्राफी है जो कि स्पोर्ट्स के टीचर थे। झुंड इस फिल्म की जितनी बॉलीवुड के कलाकारों द्वारा तारीफें की जा रही है जैसे कि आमिर खान और बाकी जो भी है, देखो जितनी इस फिल्म की तारीफ सेलिब्रिटीज और रिव्यूज के द्वारा की जा रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस फिल्म के बजट से ज्यादा इसकी पब्लिसिटी पे ज्यादा खर्चा किया है। ज्यादा खर्चा किया है ना, सच बताओ। सेलिब्रिटीज द्वारा इतने ज्यादा तारीफ के बावजूद और इतने तगड़े प्रमोशन के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी फ्लॉप होते नजर आ रही है क्योंकि इस फिल्म ने पहले ही दिन कमाया है सिर्फ 1.5 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ रुपए, जो कि बहुत कम है क्योंकि इस फिल्म को बनाने के लिए लगे है करीब करीब 30 करोड़ रुपए। इसका ओवरऑल बजट है 30 करोड़ रुपए। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से बॉलीवुड चाहे कितनी भी अच्छी फिल्म क्यों ना बना ले, उसे फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों कहते हैं कि बॉलीवुड एक ऐसा घिनौना दलदल है जिसमें जो कोई नया आदमी एंट्री मारता है वो उसे साथ में लेके डूब जाता है। झुंड सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों, एक नॉर्मल एवरेज फिल्म है जो कि 3 घंटे की है। तो ये जो फिल्म है भाई, जो 3 घंटे के होने के बावजूद हमने इसको सह लिया तो हमको भी एक पुरस्कार मिलना चाहिए भाई। देखो दोस्तों इस फिल्म को मस्त मसाला मार के 2-2.5 घंटे में बनाए गए खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, डायरेक्टर ने इस फिल्म को इतना लंबा खींचा, इतना लंबा जितने कि अमिताभ बच्चन भी नहीं है लंबे। देखो दोस्तों बहुत हो गया मजाक, अब हम इस फिल्म के बारे में करेंगे थोड़ी सीरियस बातें। फिल्म देखने से पहले वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना वैक्सीन के फिल्म समझ में नहीं आएगी। मुझे तो वैक्सीन लेके भी नहीं समझी यार, जान दो छोड़ो। नागराज मंजुले जी और अमिताभ बच्चन जी, आपने 3 घंटे की फिल्म बनाई, आपको डर नहीं लगा जरा सा भी? पहले लोग कोरोना और लॉकडाउन से परेशान है, उसमें लोगों को 3 घंटे जबरदस्ती थिएटर में बिठा के रखना, ये आपको ठीक लगता है? किसी एक इंसान ने फिल्म देखते देखते परेशान होकर थिएटर में पंखे से लटक के अगर खुदकुशी कर ली तो थिएटर में तो पंखे नहीं होते भैया। अरे क्या बकवास कह रहे हो भाई, थिएटर में कहां पे पंखे होते हैं? ये भी बात सही है, थिएटर में पंखे नहीं होते। सॉरी सॉरी, देखो सच्चाई बोल रहा मामा, 3 घंटे बहुत ज्यादा हो गए। 1 घंटे में पिक्चर बताओ, 1 घंटे तुम्हारे बॉलीवुड के गाने बताओ और आधा घंटा दिमाग को शांति देने के लिए इंटरवल रखो। बात तो सही है। अगली बार से मत करना, धन्यवाद अमिताभ बच्चन जी और नागराज मंजुले जी आपको भी। देखो दोस्तों हमारे वीडियोस और रिव्यूज जो होते हैं वो सिर्फ मजाक के लिए होते हैं, तो इसे मजाक की तरह लिया करो क्योंकि एक मराठी डायरेक्टर ने बनाई हुई फिल्म है तो हमको इसे सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम कहेंगे सबको कि जाके इस फिल्म को देखो, देखो और सबको दिखाओ, आजू बाजू वालों को भी लेके जाके दिखाओ अगर नहीं देख रहे होंगे तो। फिल्म का एक सीन बहुत ज्यादा बढ़िया है जिसमें कि हमें एक रैली का सीन देखने को मिलता है और जिसमें कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर देखने को मिलती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर देखने को मिलती है, शाहू महाराज की तस्वीर देखने को मिलती है और साथ ही साथ महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर देखने को मिलती है। ये एक बहुत बढ़िया सीन है, बॉलीवुड में ऐसा सीन पहली बार आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक सीन है जिसे कि हमें सल्यूट करना चाहिए और साथ ही साथ आपको फिल्म देखनी जरूर चाहिए। इस फिल्म की और एक अच्छी बात यह है कि इसमें किसी स्टार किड को ना लेकर न्यू कमर्स को चांस दिया है, पकड़ पकड़ के लाया है, लेकिन अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने, एक्टिंग भी बहुत बढ़िया की है। वैसे पब्लिक को जो मजा सैराट फिल्म देख के आया था नागराज मंजुले जी की, वो ये फिल्म देख के नहीं आ रहा है ऐसा पब्लिक का मानना है, लेकिन सच कहूं तो सैराट देख के मुझे कोई मजा नहीं आया था। मैं तो सॉरी मतलब मुझे वो फिल्म समझी नहीं, मतलब यार क्या कहूं, सॉरी उसमें मेरी गलती है क्योंकि मैं आधी फिल्म में तो मैं सो रहा था थिएटर में भाई, कैसे समझे, इतना पक गया था दिमाग यार, सॉरी। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा ये रिव्यू खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आपको एक गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट का मौन रखें और बॉलीवुड को श्रद्धांजलि अर्पण करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो करो, मैं भी आपको फॉलो बैक करूंगा, आओ मिलके खुशियां बांटे। और एक बार विमल बोलो जुबा केसरी।